खबर रीवा से है, जहां 3 साल का प्रियांशु तिवारी अपने दादा के साथ बर्थडे मनाने की जिद करने लगा। उसके दादा फौज में थे और 2002 में शहीद हो गए थे। 19 अक्टूबर को प्रियांशु का बर्थडे था। पिछले 10 दिनों से वो अपने पिता से दादाजी को घर बुलाने की जिद कर रहा था। रोज सुबह उठते ही जिद करने लगता कि इस बार दादाजी के साथ ही केक काटूंगा। बेबस पिता ने बेटे को समझाया कि आपके दादाजी देश के लिए शहीद हो गए हैं, अब वो भगवान के पास है, वहां से कोई नहीं आता। लेकिन पिता की समझाइश का कोई असर मासूम पर नहीं पड़ा, तो परिवार के लोग उसे लेकर स्वागत भवन के पास संचालित विद्रा आश्रम पहुंचे। यहां मासूम ने 50 बुजुर्गों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। दादा के प्रति पोते का प्यार देख वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग भावुक हो गए। शहीद प्राणनाथ तिवारी की पत्नी पुष्पा तिवारी ने बताया कि कारगिल की जंग के बाद आतंकी कश्मीर छोड़ राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर में घुसने की फिराक में थे। 6 नवंबर सन 2002 को बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, जिसमें कई आतंकी मारे गए। इसी मुठभेड़ में आतंकी की एक गोली 35 वर्षीय जवान प्राणनाथ तिवारी को लगी और वे शहीद हो गए। हम लोग मूलतः मनगवा क्षेत्र के दिल्ली के रहने वाले हैं। शहादत के बाद मैं बड़े बेटे सोनू तिवारी और छोटे बेटे धीरज तिवारी को लेकर झांसी कैंट आ गई। यहां दोनों बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़ाई करने लगे। पति की शहादत के बाद हम लोग रीवा के आनंद नगर में रहने लगे। शहीद की पत्नी ने कहा कि बड़े बेटे सोनू की शादी 4 वर्ष पहले हुई। 19 अक्टूबर 2019 को मेरा पोता हुआ। पिछले साल जन्मदिन पर पोता प्रियांशु कहने लगा कि सभी बच्चे अपने दादाजी के साथ जन्मदिन मनाते हैं। हम लोगों ने उसे समझाया। इस बार तीसरे जन्मदिन पर फिर से पोता जिद करने लगा कि दादाजी को बुलाओ, तभी बर्थडे मनेगा। पोते की बात सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं। दरअसल हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग नहीं है। बेटे की बात रखने के लिए इस बार हम लोग वृद्धा आश्रम में जन्मदिन मनाने आए हैं। प्रियांशु तिवारी की माँ प्रियंका तिवारी ने बताया कि 6 माह से वह अपने उम्र के कई दोस्तों के जन्मदिन पर उनके घर जाता था। हर जगह बच्चे अपने दादाजी के साथ खेलते कूदते और केक काटते थे। ऐसे में वह घर आकर कहता, हमारे दादा कहाँ हैं? एक सप्ताह पहले ही बोल दिया था कि इस बार हैप्पी बर्थडे दादा के साथ मनाऊंगा। ऐसे में उसके पापा सोनू तिवारी ने यह प्लान बनाया और हम लोग बच्चे का जन्मदिन घर की बजाय वृद्धा आश्रम में मनाने आ गए। पिता सोनू तिवारी ने बताया कि 3 वर्षीय बेटी की जिद पूरी करने के लिए परिवार सहित बुधवार की शाम स्वागत भवन के पास संचालित वृद्धा आश्रम पहुंचे। प्रियांशु ने सभी बुजुर्गों से परिचय किया। इसके बाद केक काटा और बुजुर्गों के हाथ से ही केक खाया, फिर सभी को केक भी खिलाया। विदाई के रूप में ठंड से बचने के लिए 50 बुजुर्गों को कंबल दिया। कार्यक्रम की जानकारी लगते ही चौराहा थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश पांडे और यातायात थाने के सूबेदार अखिलेश कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गए। बुजुर्गों ने कहा कि बच्चा इतना नटखट है कि खुद हंसा और दूसरों को भी रुलाकर चला गया। बातचीत में वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने कहा कि भगवान करे सबको प्रियांशु जैसा पोता मिले, उसकी ममता की कोई सीमा नहीं है। इसके पहले कोई ऐसा अपनापन दिखाने नहीं आया है, इसे देखकर बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापा याद आ गया। बुजुर्गों ने भी प्रियांशु के साथ खूब मस्ती की। किसी ने उसे कहानी सुनाई तो किसी ने गाना गाकर दादाजी का फर्ज निभाया।